तो गाइस हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे अभी आए हैं जिसको हम लोग कमीशन करेंगे। ये करीब 8000 TR का चिलर प्लांट है। इसमें 8 कूलिंग टावर हैं। आप देख रहे हैं ये जो सामने आपको दिख रहा है ये एक कूलिंग टावर है। दो सेक्शन दिख रहे होंगे बट ये दो नहीं है, ये एक कूलिंग टावर है। और पाइप देखेंगे जो कंडेंसर पाइप है ये करीब 700 डायमीटर का पाइप है। 8 कूलिंग टावर यहाँ पे इसकी हम लोग कमिशनिंग करेंगे, अभी टेस्टिंग करेंगे। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंस्टॉलेशन ही चल रहा है यहाँ पे। ये देखेंगे एक लाइन से लगा हुआ है कूलिंग टावर, ये इसका अभी सामने वाले का देखेंगे। अब इंस्टॉलेशन अभी चल ही रहा है और ये सारे मटेरियल्स वगैरह इनके रखे हुए हैं। सामने एयरपोर्ट है, फ्लाइट्स वगैरह आती रहती हैं यहाँ पे। आपको सामने भी दिखेगा फ्लाइट्स, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो ये अभी एक करंट प्रोजेक्ट है हमारा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 8 चिलर हैं 800 TR के, 11 KV पे ये भी ऑपरेट करेंगे। कूलिंग टावर है 8, और आप देखें जितने भी इसमें वॉल्व्स हैं 700 डायमीटर के बटरफ्लाई वॉल्व हैं मोटराइज्ड, वो 3 फेज से ऑपरेट होंगे। तो अभी ये प्लांट अभी तक चला नहीं है। सबसे पहले अभी हम लोग इसकी फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग का मतलब जो ये आप पाइप देख रहे हैं, मैं इस पर चल रहा हूँ, ये इस पाइप की अभी फ्लशिंग होगी, केमिकल फ्लशिंग होगी, मतलब पूरा पाइप क्लीन होगा। उसके बाद ही हम चिलर प्लांट में पानी को भेजेंगे। आप देख रहे हैं ये केमिकल जो है सामने ब्लू कलर का आपको गैलन दिख रहा होगा, ये हमने केमिकल भी मंगाया है। इससे हम अपना पाइप साफ करेंगे, पाइप की क्लीन करेंगे पूरा। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसमें कूलिंग टावर की ये जो इनलेट है, इनलेट पाइप अभी ये प्राइमर हुआ है, इस पर भी कनेक्शन होना है। तो ये सारे काम अभी चल रहे हैं। ये देखिए फ्लाइट भी आ रही है यहाँ पे, ये एयरपोर्ट की जॉब है। ये काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस लेकर चलते हैं, क्वालिटी को बिल्कुल ही बाईपास नहीं करते हैं, बट यहाँ पे सेफ्टी बाईपास ज़रूर हो रहा है। लोग ऊपर जो अपने टूल साइकिल उनको फेंक कर दे रहे वो गलत है। तो आप ये देखेंगे कूलिंग टावर पे अभी काम चल ही रहा है हमारा। ये बैलेंसिंग वॉल अभी रखा हुआ है जो कि चेंज हुआ है, हाइड्रो टेस्ट जब हम लोग कर रहे थे तब ये फट गया था, रिजेक्ट हो गया था ये पीस। उसके बाद ये नया बैलेंसिंग वाल्व आया है, ये मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व है। यहाँ पे मैनुअल वाल्व नहीं है, सारे मोटराइज्ड हैं, 3 फेज से सारे ऑपरेट होंगे। तो मज़ा आएगा इस साइट पे, हम आपको वीडियोस में आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी नई नई चीज़ें दिखाएंगे, नए नए इक्विपमेंट्स दिखाएंगे, कैसे कमीशन होते हैं, कैसे उसकी टेस्टिंग होती है। क्योंकि जब इक्विपमेंट चल रहा होता है पहले से तो उसमें उतना आप समझ में नहीं आता है, उतना उसमें सीखने के लिए कुछ होता नहीं है ज़्यादा। जब चीज़ों को आप शुरू से इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉलेशन के बाद उसको रन करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो, उसकी कमीशनिंग करते हो, तब आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत बड़ा प्लांट है ये अब तक का मेरे कैरियर का कह लो मेरे कैरियर का भी ये सबसे बड़ा प्लांट है जिसको अभी हम लोग कमीशन करने जा रहे हैं। इसको कमीशन करने में, चिलर को सिर्फ कमीशन करने में अभी हमें 2 से 3 महीना लगेगा, क्योंकि अभी हम फ्लशिंग करेंगे कंडेंसर वाटर की, फिर चिल्ड वाटर की फ्लशिंग करेंगे, फिर इसमें चिलर में नाइट्रोजन होल्ड प्रेशर डालेंगे, वैक्यूमाइजेशन होगा, फिर चिलर चलेगा, HUs चलेंगे। तो बहुत टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, करीब अभी 1.5 से 2 साल और लगने वाले हैं, 2 से 3 साल आप लेकर चलो इसको प्रॉपर हैंडओवर होने में। क्योंकि अभी इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, अभी ये 70% इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है, 30% इंस्टॉलेशन और कंप्लीट होनी है, उसके बाद ही इसकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग शुरू हो पाएगी। हमारा टारगेट है कि चिलर को हम 2 से 3 महीने में चला दें। तो सारी वीडियोस हम लोग जो है डालते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को आप लोग लाइक भी कर लें। इधर आते हैं, आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट है और ये सारी फ्लाइट्स भी कोविड की वजह से खड़ी हैं, अभी ये उड़ नहीं रही हैं। और अभी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एरिया वाइज ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस प्रोजेक्ट की आपको हर एक वीडियो मैं इस पर शेयर करता रहूँगा, चाहे वो चिलर कमिश्नरिंग हो, कूलिंग टावर कमिश्नरिंग हो, एच कमिश्नरिंग हो, सारी चीज़ आपको हम बताएंगे कैसे चीज़ें इंस्टॉल्ड हो रही हैं। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।